हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कॉलेज ऑफ मेंस रेवोल्यूशन। दिस इज द सेकंड वीडियो अबाउट योर टॉपिक मेंस रेवोल्यूशन। वी विल डिस्कस सीरियल वाइज कॉलेज ऑफ मेंस रेवोल्यूशन। आई विल ट्राई टू माय बेस्ट in this video. We have classified the college of 10th revolution in 5 points. First point is social college, second is political college, third is economic college, and fourth is role of philosophers, and fifth is immediate college. So first of all, we will discuss of social college. Social college divided in two parts. First is division of society based on birth, and second is privileges. Okay. Division of society during 1789, 10th society is divided three parts: first state, second state, third state. Okay, first state is called clergy, and second state is called nobility, and third states have common pupils. So this type of classification based on birth, hence society discriminated to third states persons. Some privileges over some rights of first and second states while birth. Privileges उन्हें कहते हैं ऐसे rights जो कि while birth मिलते हो, जन्म के आधार पर मिलते हो। इस प्रकार के rights first और second states के लोगों को मिले हुए हैं। कौन कौन से वो राइट्स थे जो जन्म के आधार पर फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स को मिले हुए थे, जबकि थर्ड स्टेट्स को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिविलेज नहीं मिला हुआ था। हम उनकी चर्चा करते हैं सीरियल वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जेम्प्टेड टैक्सेस। टैक्स देने से दोनों ही वर्ग, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के जो लोग थे दोनों वर्गों के, उनको सभी प्रकार के टैक्सों से मुक्ति मिली हुई थी, अर्थात उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता था। ना ही टैक्स देना होता था, ना ही टैल देना होता था। और टैक्स और टैल के बारे में आपको पिछले वीडियो में बेहतर तरीके से बताया जा चुका है। यदि और आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। सेकंड जो प्रिविलेज था वो था एक्सपेक्टेड टैक्सेस ऑन थर्ड एस्टेट। फर्स्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज में आपको दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट जो है प्रिविलेज उस रेजिम व्यवस्था में, फ्रांस की क्रांतिपूर्ण की जो व्यवस्था है उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोगों को मिले हुए थे। सेकंड जो पॉइंट है वो है इनको जो प्रिविलेज मिले हुए थे उसमें फर्स्ट का एग्जेम्प्टेड टैक्सेस, टैक्सों से छूट थी दोनों वर्गों को। सेकंड जो था एक्सपेक्टेड टैक्सेस, टैक्स लगा
में का भी उनको अधिकार था। तो ये लोग थर्ड एस्टेट्स के लोगों पर टैक्स लगा सकते थे, उनसे बेगार करवा सकते थे अपने खेतों पर, अपने फार्म हाउसेज पर, कोई रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कोई और उनका वर्क होता उसमें बेगार करवा सकते थे। बेगार को फ्रेंड्स जो लैंग्वेज है उसमें कौर्मी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा है आना चाहिए, कि बेगार किसे कहते हैं। बेगार हमारे जीवन में सामान्य बोलचाल में बोला जाने वाला शब्द है। जिस काम के लिए हमें कोई मेहनताना मजदूरी या वेतन नहीं मिलता है उस काम के लिए हम बेगार सब काम में लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड एस्टेट्स के लोगों से फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स के लोग काम भी ले लेते थे और बदले में उनको कुछ मेहनताना भी नहीं देते थे, उसके लिए बेगार सब काम आया। और टेंथ हिस्ट्री में देखे अपने लैंग्वेज में तो उसके लिए कौर्मी शब्द काम में दिया गया। इस तरह का जो सिस्टम था वो फ्यूडल सिस्टम के तहत ही संभव था। सामंतवादी व्यवस्था थी उस समय फ्रांस में, और सामंतवादी व्यवस्था में सामान्य लोगों के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जनरली होता है। सेकंड जो कॉज है वो है पॉलिटिकल कॉज, ओके। सोशल कॉज को हम डिस्कस कर चुके, अब पॉलिटिकल कॉज को डिस्कस करेंगे। देखिए उस समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, बुर्बो डायनेस्टी। बुर्बो डायनेस्टी बुर्बो राजवंश का शासन था, और बुर्बो राजवंश में लुई नाम के बहुत से शासक हुए थे। जिस प्रकार से किसी क्लास में एक ही नाम के कई विद्यार्थी होने पर क्लास टीचर के द्वारा उनके नाम के आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंशन कर दिया जाता है, उसी तरह लुईस जो है ये इनकी संख्या बहुत रही है फ्रांस में, इसलिए इनके नाम के आगे भी आप लोग देखोगे कि लुई 14 15 16, ओके। फर्स्ट जो कॉज है वो है लीग रूलर्स। निश्चित रूप से हमने हिस्ट्री में जितने भी राजवंश पढ़े हैं, आप लोगों ने भी जितने राजवंश पढ़े हैं या पढ़ोगे, उन सभी के डाउनफॉल में एक मेजर रोल जो है वो वीक रूलर्स वाला कॉज का है। पॉजिटिव पर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई योग शासक जब तक सत्ता में रहता है तब तक वो विपरीत स्थितियों में भी शासन को व्यवस्थित रख सकता है। फ्रांस में उस समय क्रांतिकालीन परिस्थितियों में बहुत ही कमजोर शासक शासन कर रहा था, जिसका नाम था लुई 16। लुई 16 की पॉलिसी जो थी नीतियां थी बहुत पुअर थी, पुअर पॉलिसी फॉर लुई 16। उसका नंबर एक तो वो अनुभवहीन, एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था, यंग एजर था। 1774 में वो उसको सत्ता मिली थी, ही एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774 ओनली 20 इयर्स ओल्ड। जब वह मात्र 20 वर्ष का था उस समय उसको सत्ता मिली, उसके पास अनुभव की कमी थी। दूसरा रीजन, लुई 16 पर उनकी पत्नी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था, उसकी सलाह वो शासन सत्ता में भी दिया करते थे। मेरी एंटोनेट फिजूल खर्च दिखावा पसंद और चापलूस पसंद महिला थी,
उसके पास जमीनी स्तर का किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं था। दिखावा श्यामा शौकत में बहुत पैसा एक्सपेंडिचर किया करती थी, तो उसकी सलाह लुई सोल्वे के लिए काफी खतरनाक साबित हुई, क्योंकि यहाँ हम जो हिस्ट्री में घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है फ्रांस के राजकोष के खत्म होने से, वित्तीय स्थिति खराब होने से। वित्तीय स्थिति खराब होती है, राजा नए टैक्स लगाना चाहता है, जो अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो राजा को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राजकोष राजकीय खर्चों में कटौती एवं फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट पर भी टैक्सेस लगाने का परामर्श देते हैं, लेकिन राजा जो है वो मेरी अनुमानित और चाकुरों के परामर्श के अनुसार फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट पर कोई टैक्सेस नहीं लगाता, ना ही राजकोष में कमी करता, राजकीय खर्चों में कमी करता है और नए टैक्स इम्पोज करने की कोशिश करता है। नए टैक्सेस लगाने के लिए एस्टेट जनरल बुलाई जाती है। एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट्स के लोग शामिल होते हैं, वहां विवाद होता है वोटिंग को लेकर के, वोटिंग वैल्यू को लेकर के, और थर्ड एस्टेट जो है अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करके और फ्रेंच रेवोल्यूशन की लीडरशिप करती है, एक दूसरे के साथ घटनाएं खोल ले रहे हैं। अब देखते हैं हम इकोनॉमिक पॉलिसी एम्प्टी प्रिंटिंग, खजाना खाली था, फ्रेंच गवर्नमेंट का खाली क्यों था, क्या कारण थे। नंबर 1, सपोर्ट ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1774 to 1783। अमेरिका यूएसए का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1774 से 1783 तक चला था। इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में फ्रांस की सरकार अर्थात फ्रांस के राजा ने जो अमेरिकन कॉलोनीज जो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कर रही थी उनको सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन का परंपरागत एनिमी था। दोनों ही कॉलोनियल साम्राज्यवादी देश थे, साम्राज्य विस्तार को लेकर के दोनों की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती। उस युद्ध में, उस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में फ्रांस के द्वारा अमेरिकन कॉलोनियों को सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई गई, हथियार उपलब्ध करवाए गए, आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए गए। इतने लंबे चले युद्ध में फ्रांस की इस तरह की भागीदारी से फ्रांस का राजकोष लगभग खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन पॉम्प एंड शो। अभी आपको मैंने बताया था फ्रांस की क्वीन मेरी अंतर्वाले की वाइफ, सॉरी लुई सोलवे की वाइफ मेरी अंतवाने, जो कि वो पॉम्प एंड शो में विश्वास करती थी। वर्सायल्स के जो शीश महल है उनमें देवा का दिखावा किया जाता, बहुत नौकर चाकर करते जाते, इसमें राजकोष का बहुत पैसा खर्च होता था। थर्ड जो पॉइंट है वो है टैक्स। गवर्नमेंट पर इतना ऋण हो गया था लोगों का, दूसरे देशों का, कि उस ऋण के ब्याज को ही फ्रांस की तत्कालीन अर्थव्यवस्था नहीं चुका पा रही, जबकि राजा और रानी इस आइडिया के शासक थे कि कर्जा लेकर के कर्जा चुकाओ। ओके, अब
जो है फिफ्थ पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोल ऑफ फिलोसफर्स, दार्शनिकों का योगदान किसी भी रिवॉल्यूशन में, फिलोसफर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है, स्पेशली जब हम सोशल पॉलिटिकल किसी रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, निश्चित रूप से जो है उसमें फिलोसफर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। फिलोसफर्स किसी सिस्टम में परिवर्तन के आइडियाज देते हैं और परिवर्तन के बाद में किस तरह का सिस्टम होगा उसके लिए भी वो आइडियाज देते हैं। किसी व्यवस्था को खत्म करने के बाद नई व्यवस्था क्या होगी, किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करेगी, उन सब के बारे में भी उनके द्वारा आइडियाज दिए जाते हैं। देखिए मेनली थ्री थिंकर्स हैं, उनको अच्छे से याद करना है, बुक्स के नाम उनकी के क्या आइडिया दिए उनके को अच्छे से आप लोगों को याद करना है। एक एक करके हम उनके आइडियाज को देखते हैं। टाल अगेंस्ट वर्क राइट, तो फ्रांस में जो फिलोसफर्स हैं वो उन्होंने पहली बार ये अपने विचार दिए, कौन से विचार, कि जो बर्थ राइट्स है जन्म के आधार पर जो अधिकार मिले हुए हैं, प्रिविलेज मिले हुए हैं फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोगों को, ये नेचुरल जो है सिद्धांत के, नेचर के सिद्धांत के, नेचुरल सिद्धांत के खिलाफ है, ये अनएथिकल है, अनलॉजिकल है। उनके विचारों को समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में लिखा गया, उनके द्वारा उनका प्रचार प्रसार किया गया, लोगों में उनके विचारों के ऊपर चर्चा होने लगी, लोग भी मानने लगे कि प्रिविलेज जो है वो सही नहीं है। प्रेजेंटेड ए मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटरनिटी। फिलोसफर्स ने गवर्नमेंट का एक मॉडल का खाका लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जो गवर्नमेंट किन सिद्धांतों पर आधारित होनी थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड हिस्ट्री में जो योगदान है या वर्ल्ड को जो योगदान है उसे हम सीमित शब्दों में कहें तो वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटरनिटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन कंसेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के आए थे। अब हम बात करते हैं उन थिंकर्स की जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। शायद मेरे मतानुसार यदि ये थिंकर्स ना होते तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। हालांकि इन लोगों ने सीधे युद्ध में, आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन वैचारिक पृष्ठभूमि इन्हीं के द्वारा प्रदान की गई थी इस क्रांति। इसमें पहला जो नाम है वो है जॉन लॉक। इसकी बुक का नाम है ट्रू थ्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू थ्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में जॉन लॉक के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया वो था कंट्रोल द पावर ऑफ मोनार्क। इसमें जॉन लॉक ने अपने विचार रखे कि मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होने चाहिए, मोनार्क के पावर्स पर कंट्रोल होना चाहिए। एब्सोल्यूट पावर यदि मोनार्क के पास होंगे तो वो बेहतर तरीके से पब्लिक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाएगा। सेकंड जो फिलोसफर है वो है रूसो। यहां सीरीज में जरूर सेकंड
रखा है मैंने, बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन क्योंकि मैं कॉलेज कर रहा हूँ, तो बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस दार्शनिक का सबसे ज्यादा, जिस फिलोसफर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा वो थे रूसो, जीन जैक्स रूसो इनका पूरा नाम है, आप सिर्फ रूसो से भी काम चल जाएगा। इनके बारे में टेरर ऑफ रेजिम के लीडर 1793 टू 1794 आतंक का राज्य फ्रांस में, उसके लीडर रोबेस्पियर ने यहां तक कहा, वो इनके बहुत बड़े अनुयायी थे, हमेशा इनकी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने साथ रखते थे, और उन्होंने यहां तक कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। इनकी बुक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में बोले तो सामाजिक संविधान। इनका उन्होंने जो कोर्स दिए वो थे आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन्होंने पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का आइडिया विश्व के सामने रखा। एंड थर्ड इनका जो है वो है मोंटेस्क्यू, इनकी बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने भी बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिवाइडेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट दिया, इन्होंने हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिवाइडेशन का कंसेप्ट दिया। इनका कंसेप्ट था कि गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, इन तीनों ऑर्गन्स के में पावर का जो है वो डिवाइडेशन होना चाहिए, तीनों के सेपरेट सेपरेट पावर्स होने चाहिए। यदि एक ही ऑर्गन या एक ही उसके पास में पावर रहेंगे तो वो निरंकुश गवर्नमेंट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट जो है वो मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया। अब हम लास्ट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करते हैं, इमीडिएट कॉजेस हर रिवॉल्यूशन, क्यों आप हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री या अपने आसपास की हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो हर घटना के पीछे बहुत से कॉजेस बहुत पहले से चले आ रहे होते हैं, उन कॉजेस की वजह से वो इवेंट घटित होती है। लेकिन कुछ इमीडिएट कॉजेज भी होते हैं हर रिवॉल्यूशन के, हर इवेंट के, जो उस घटना को उस समय विशेष पर ही घटित करवा देते हैं, जबकि पहले से चले आ रहे कॉजेज ये मेंशन करते हैं कि वो घटना तो घटित होनी है लेकिन इमीडिएट कॉजेज उसको एक टाइम बाउंड्री दे देते हैं। देखिए कौन कौन से इमीडिएट कॉजेज थे, इम्पोज ऑफ न्यू टैक्सेस, जैसा कि आप लोगों को पता है डायरेक्ट टैक्स था, स्टेट के द्वारा दिया जाता था, टाइल रिलीजियस टैक्स था, ये चर्च के द्वारा इम्पोज किया गया था, दोनों ही तरह के टैक्सेस थर्ड स्टेट्स के लोग देते थे, दोनों टैक्सों से के बाद में भी फ्रांस की जो है इकोनॉमी वो नहीं संभल पा रही थी, इसलिए शासक के द्वारा नए टैक्स लगाने का प्रपोजल सामने आया। नए टैक्स लगाने के लिए फ्रांस में पहले से परंपरागत रूप से एस्टेट जनरल के अनुमोदन से ही नए टैक्स लग सकते थे। एस्टेट जनरल का लास्ट अधिवेशन 1614 में हुआ था, 175 वर्ष बाद फिर से उसका अधिवेशन बुलाया गया 1789 में। तीन एस्टेट्स के लोग वोटिंग के बारे में लोग कंफ्यूज थे, एस्टेट वाइज वोट दिए जाए या फिर
जितने लोग वहां गैदर हो गए उस हिसाब से वोट दिए जाए। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग चाहते थे कि एक स्टेट का एक ही वोट काउंट किया जाए, चाहे लोग कितने भी वहां पर आए हैं। थर्ड स्टेट के लगभग 1700-1800 लोग वहां पहुंचे, जबकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300-300 पर्सन वहां पहुंचे थे। थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि वोट जो है सभी जो उपस्थित लोग थे सदन में उन सबके वोट दिलवाए जाए और सबके वोट की इक्वल वैल्यू मानी जाए। राजा लुई सोलवा जो था वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की आधार पर ही उसने वोटिंग करवाने का निर्णय किया कि प्रत्येक स्टेट को एक वोट देने का राइट है। ऐसी स्थिति में नई टैक्स इम्पोज करवाना आसान था, इम्पोज कर सकते थे, लेकिन थर्ड स्टेट्स के लोगों ने इस बात का विरोध किया और वो वहां से वॉकआउट करके टेनिस कोर्ट में आए और वहां अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। तो नई टैक्सेस बड़ा कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे जो है इमीडिएट कॉजेज। सेकंड जो है कॉल्ड ए सेशन ऑफ स्टेट जनरल का सेशन बुलाया गया। ड्रॉ सूखा, अब ये तो वहां के वैसे कॉलेज थे जिनके लिए वो वहां की सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल थी। ये जो कॉज है ड्राउट का, सूखा पड़ा, पहले से ही लोग परेशान थे, कीमतें बहुत बढ़ गई थी, ऐसी स्थिति में ईश्वरीय प्रकोप का भी सामना फ्रेंच सोसाइटी को करना पड़ा। सूखा पड़ने से किसानों की हालत बहुत खराब हो गई, खाद्यान्न की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, पावरोटी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पावरोटी एक प्रकार की ब्रेड होती है, पावरोटी की दुकानों लूटा जाने लगा और रिवॉल्यूशनरी कंडीशंस तैयार हो गई। इंक्रीज द प्राइस ऑफ पावरोटी। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किए जा चुके हैं जो कि फॉजेज ऑफ टेंथ रिवॉल्यूशन के जो फॉजेज हैं उन सबको एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब यदि इसके बाद में भी सेकेंड जो है आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में टेंथ रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो सन्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में कुछ इवेंट्स को यहाँ रखा गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स वहाँ रख सकते हो, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे अगले वीडियोस के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब